पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल ये है कि अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर देश में धन बांटना है, तो क्यों ना नेशनल हेरल्ड से ही शुरुआत कर दे, काहे केस लड़ रहे हैं। अच्छा दे दीजिए, देश में सबकी तरफ जमीन जायदाद, पहले कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत कर दे। और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो गलत क्या है, ये कहा नहीं था राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो रिलीज जो तेलंगाना के हैदराबाद में हो रहा था, वही कहा था मैनिफेस्टो के साथ साथ। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद नविका जी। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना, भैया कौआ मोती खाएगा। जुम करो। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वेल्थ क्रिएशन और अलॉटमेंट की बात होगी तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट पीएम केयर फंड है ना, उसके सारे पैसे जब्त किए जाएंगे और इस देश के लोगों में बांटे जाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि वो ऑडिटेबल नहीं है। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा लूटा है, जहां 99.98% पैसा वापस आ गया, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी और वो पैसा हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर घूमते थे काले धन की, कि वो पैसा आएगा तो हर मिडिल क्लास के खाते में पैसा जाएगा 15-15 लाख रुपए, वो जो ब्लैक लिस्ट थी, जो व्हाइट हो गई है ना, उसकी जांच होगी और वो पैसा तो हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म शर्म करो शर्म। लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बत्ती के अगुल हुई नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए। उनकी भाषा का स्तर देखिए, किसान मर रहा है महंगाई के कारण, खाद और डीजल की कीमतें आसमान पे छुई है, वो MSP मांग रहा है, नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे आपने जो उज्ज्वला गैस योजना का पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे लगाया था, वो दोबारा रिफिल नहीं हुआ, उसकी चर्चा करिए चुनाव में। नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट है। दोस्ती बनी रहे। आप कहते थे कि 2022 तक सारे हिंदुस्तान को पक्के घरों में रख देंगे, वो पक्के घर कहाँ गए, वो कागजों पे रह गए। उस भ्रष्टाचार की खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपके शो की है, जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैडम दर्द होता है कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे। मैडम क्या विडंबना है, अगर मैं फिर कहूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी और सबको लग जाएगी कि जो व्यक्ति 35 साल तक विवाहित होने के बाद कुंवारा होने का ढोंग रच रहा था, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सका, और हिंदुस्तान की मां बेटियों के मंगलसूत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। खत्म।